सो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का भाई साबिर खान, आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल टेक्निकल साबिर। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूं जो हेड गल्ला रोकता है थ्रेसर का, तो उसके बारे में। जैसे आपको जैसे गेहूं का गल्ला हो, कुछ का भी हो, जैसे गल्ला फंसा लेता है हेड के अंदर, तो उसके लिए आप क्या करें ताकि गल्ला ना रुके। तो सो गाइस देखते रहे पूरा वीडियो एंड तक, वीडियो को पूरा वॉच करे करो क्योंकि आपको कुछ समझ में आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको देखना है, सबसे पहले तो आपको ये देखें, पहली बात तो आपका हेड जो सही हो तो उसमें कोई छेड़छाड़ करना नहीं है। और उसके बाद में जैसे भी गल्ला रोकता है ये स्प्रिंग को देखें, स्प्रिंग ज़्यादा टाइट हो तो ये बुल्ट हैं, तीन इधर हैं, तीन परली साइड में हैं, इनको खोलें। जैसे इसकी ऊंचाई कम से कम इतनी जाती है, इतनी तो लगभग है ना, 4 से 5 इंची ऊँचाई जा रही है, तो इसकी स्प्रिंग को काट दें, कम से कम 2 से 3 इंची स्प्रिंग काट दें। तो इसकी ऊँचाई में जो ये इसके चद्दर की जो गैप है, इसमें कम से कम 1.5 इंची का ही गैप होना चाहिए, क्योंकि स्प्रिंग टाइट ना हो, क्योंकि ताकि गल्ला जैसे हेड की स्प्रिंग नीचे की ऊपर की साइड दबे तो आसानी से उड़ जाए हेड, तो टाइट ना दबे, इसके लिए भी गल्ला बहुत ज़्यादा रुकता है इसकी वजह से भी। सो गई, और उसके बाद में आपको क्या करना, उससे भी कम नहीं होता है, जैसे गल्ला आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, टापे के अंदर सीधा गल्ला ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, इधर की तरफ ऊपर चढ़ के ऊपर की तरफ यहाँ पर फंस जाता है गल्ला आके। सो गई उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको जैसे ये आपको यहाँ पे ये डिब्बी दिख रही है जो कास्टिंग की है, इसके नीचे ये पत्ती दिख रही है, इस पत्ती को हल्का सा ऊपर उठा के रखें और इसके नीचे पत्ती यहाँ पे इसकी तरफ यहाँ पे यहाँ हेड की प्लेट के साइड में, दोनों साइड में, परली साइड में और उरली साइड में, दोनों की साइड में यहाँ पे नीचे की तरफ में सरिया या पत्ती वेल्डिंग करवा दें, ताकि ये जो ये पत्ती है इसके ऊपर टिकी रहे, उस पत्ती जिस पत्ती को आप वेल्डिंग करोगे उसके ऊपर ये टिकनी चाहिए, यहाँ से नीचे कम से कम इसको 1.5 इंची उठा दें, तो उसके लिए आपका ये गल्ला नहीं रोक पाएगी मशीन, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको कैसे भी गल्ले के अंदर। तो और आपको ये आपको मैं और समझा देता हूँ गल्ले का, जैसे आप मैं आप दिखा देता हूँ यहाँ से, तो इसका गल्ला देखो, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो बेलन में टक्कर नहीं मारना चाहिए, बेलन का जो ये पंडाला होता है ना, ये नीचे की तरफ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर के बेलन पर जब पंडाला टक्कर मारता है पुली तो डायरेक्ट ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, इसे ज़्यादा देखें, क्योंकि पंडाला ज़्यादा झुका नहीं ले, ज़्यादा पंडाला झुका होता है उसकी वजह से जो मशीन के अंदर दिक्कत आती है वो बहुत ज़्यादा आती है। उसके लिए आपको यही करना है, डायरेक्ट उसको बेलन को पहले तो स्प्रिंग देखो, स्प्रिंग ज़्यादा टाइट तो नहीं है, तो और स्प्रिंग टाइट नहीं हो तो उसको वहाँ से उठा के ऊपर हल्की सी ऊपर लगा दें, बस उसके और कोई कुछ नहीं करना है, आपका हेड गल्ला नहीं रोक सकता कभी भी।